ये आप रिको एरियाज के इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, और आज से 3 दिन पहले रिको फेज वन और फेज टू के जो भी प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके साथ मैंने व्यक्तिगत रूप से बैठक की है। आप वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं, वहाँ पर पानी के डिस्चार्ज को लेकर और पॉल्यूशन को लेकर कुछ इश्यूज हैं, और डेफिनेटली हमने कहा है कि इस इवेंट के बाद हम लोग रिको एरिया में ही एक मीटिंग करेंगे, और जितने भी स्टेक होल्डर, चाहे वो रिको है, चाहे नगर परिषद है, चाहे पॉल्यूशन है, इन सबको वहाँ इनवाइट करके जो जो इश्यूज पेंडिंग है उन सबको एड्रेस कराएंगे। आज हम सबका मकसद ये है कि पॉल्यूशन नहीं हो, अन्य इश्यूज नहीं हो, और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट भी बने। इंडस्ट्रियलिस्ट तभी आगे आएगा जब उनको हम पोटेंशियल एरिया बताएंगे, उनको हम फैसिलिटेट करेंगे, और साथ ही साथ अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जो इस तरह के प्रोविजन जो है, चाहे एनजीटी के है चाहे गवर्नमेंट्स के हैं, उनके कंप्लायंस में अगर कोई बाधा आ रही है तो उनको भी हम लोग देखते हैं। जैसा अभी मैडम बता रहे हैं कि 85% उसमें से एग्जीक्यूटिव हो गए हैं। कई बार इन्वेस्टर इनिशियली कंसर्न देते हैं, बट लेटर ऑन पर्सनल लैंड इश्यूज या अन्य कारणों की वजह से वो आगे नहीं आ पाते हैं। बट ये 85% का जो फिगर बताया जा रहा है, इट्स अगेन गुड। 85% एमओयू धरातल पर जो है वो पूछ रहे हैं। इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने उन्हीं पोटेंशियल इन्वेस्टर को आइडेंटिफाई किया है जो रियली में इंटरेस्ट हो, इसलिए मैंने कहा हमने मल्टीपल लेवल्स पे मीटिंग की। ऐसा नहीं कि जस्ट आपने आके कंसर्न दिए, और ये वो सारे सिंसियर इन्वेस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि जिले में इन्वेस्ट करें, एक्सपेंशन करें, एक्सटेंशन करें। वी आर होपफुल कि ये जितने भी एमओयूज होंगे, पहली बार ये ऐसा हो रहा है, इसके लिए एक राज्य निवेश पोर्टल तैयार किया गया है और सारे एमओयू ऑनलाइन होंगे, और राज्य सरकार के स्तर से इनकी रिग्रेस मॉनिटरिंग की जाएगी कि किस एमओयू का एग्जैक्टली एंड आउटकम क्या है। इसमें सिंगल वीडियो सिस्टम, जिसको वन स्टॉप सेंटर भी हम लोग कहते हैं, वो रहेगा। प्लस जब 9 से 11 दिसंबर वाला इवेंट रहेगा, उस दौरान राज्य सरकार कई तरह की इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज भी लागू करेगी, लॉन्च करेगी, तो वो भी बेनिफिट जो है आने वाले समय में निवेशकों को मिले। इसमें आगे भी हो सकता है, अभी भी आज भी आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। अपना 9 से 11 जो एंड इवेंट है, तब तक भी अगर आया तो हम एमओयू करके उसमें जी सबकी जानकारी में भी है, उस इश्यूज को भी टैक्टफुली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिजॉल्व कर रहा है, और वेरी सून वो इश्यू रिजॉल्व ही रिप्लाई दे रहा था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। इसी कॉन्टेक्स्ट में दोनों ही फेज के इंडस्ट्री के साथ मैंने पर्सनल मीटिंग, पर्सनल मीटिंग का पर्पस यही होता है कि जो इश्यूज आ रहे हैं उनको हम टाइमली एड्रेस करें। जहाँ तक आपने आर ओ पॉल्यूशन की बात की है, मुझे ये फीडबैक दिया गया कि इतनी फ्रिक्वेंट विजिट आर ओ पॉल्यूशन की पहले कभी नहीं हुई जितनी अब हुई है। तो ये हो सकता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग में कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है। रिको ऑफिसर्स के बारे में जो आपका फीडबैक है, ये एक दो जगह से मेरे पास में भी उस मीटिंग में भी आया था, विल कैटफुली एड्रेस और इंश्योर करेंगे कि रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स उसमें एक्ट में। ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि इश्यूज नहीं है, और सिर्फ ये कहना कि इश्यू मेरे यही या हमारे यही है, ये भी फैक्ट इनकरेक्ट है हमेशा। नहीं नहीं मैं इसीलिए मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, आई एम एंडोर्सिंग यू कि अगर कलेक्टर्स उनके साथ डायरेक्टली मीटिंग कर रहा है और ये कहता है कि अगली मीटिंग मैं रिको एरिया में करूँगा, आप मेरी मनसा को शायद समझ गए होंगे कि मैं क्यों वहां जाके मीटिंग करना चाह रहा हूँ। मैं कार्यालय में बैठ के नहीं, मैं उस साइट पे जाके मीटिंग करूंगा, तो वहां के इश्यूज बेटर तरीके से रिजॉल्व।